ये दुनिया का पहला ऐसा दूल्हा था जो शादी के दिन भी यूनिवर्सिटी गया था, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया ना। अच्छा मुझे आप लोग कमेंट करके एक बात बताना, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, मैं तमाम ऑडियंस से करूंगा, ठीक है, मुझे जवाब देना कमेंट में। क्या जो कल मीडिया ने एक रोल प्ले किया जिसमें उस बहन की पिक्चर दिखाई, उसका फेस शो किया, किसी ने ब्लर नहीं किया, क्या ये सही किया या गलत किया? खबर मैंने भी किया है, लेकिन आप मेरे वीडियो में जाकर अगर देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एज पर मीडिया पॉलिसी भी और मेरे दिमाग ने भी मुझे ये कहा कि वो विक्टिम थी बहन, उसका फेस शो करना जरूरी नहीं था, उसकी खबर करनी जरूरी है, उसके हक के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन विक्टिम का फेस शो करना जरूरी नहीं है। कुछ मीडिया के अंदर ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं कि जिन्होंने नाम तक बोल दिया, यार हद है, जब ऐसा केस होता है ना उसमें जो विक्टिम होता है ना उसका नाम नहीं बताया जाता है, उसके फेस को नहीं शो किया जाता है बाबा, उसके फेस को ब्लर कर दिया जाता है ताकि कोई देख ना पाए। आज नहीं तो कल किसी के घर की जीनत बनना है, आज नहीं तो कल किसी की शरीके हयात बनना है, आज नहीं तो कल उसे अपना घर बसाना है, एक बड़े सदमे में है, एक बड़े डिप्रेशन में है। क्या ये सही किया मीडिया ने भी कि उसका फेस शो किया, अपनी सस्ती टीआरपी के लिए उस बहन के का चेहरा दिखाया? जरूरी नहीं था उसका चेहरा दिखाना, उसके हक के लिए लड़ना था, उसके माँ बाप का इंटरव्यू करना था, उस बहन का भी इंटरव्यू कर सकते थे आप, अगर आप लोगों के पास तरीका होता उसका शो फेस शो करने के बिना, वो चीज भी आप कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्टली यार उसका फेस शो कर दिया। मतलब आज निकल उसे शादी करनी है, ये सोशल मीडिया पे वीडियोस ऐसे रहेंगे, कोई डिलीट नहीं करेगा वहां पे, और इस तरीके से अगर आप ये करेंगे तो शायद उस बच्चे को हमेशा के लिए एक ट्रॉमा रहेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था पास्ट में, मेरे साथ माजी में क्या हुआ था और ये सब क्यों हुआ था। अच्छा दूसरा सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी जाना शादी के दिन इंपॉर्टेंट है? ऑडियंस क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा दूल्हा होगा कि जो शादी के दिन यूनिवर्सिटी जाएगा या शादी के दिन घर से बाहर काम करने के लिए जाएगा, एंड एज ऑब्वियस वो अपना मोबाइल फ़ोन भी घर पे रख के चला जाएगा, वो कहेगा भाई मेरे साथ सेल फोन नहीं है। मतलब आपकी शादी हो मेरी शादी हो यार, एक स्पेशल डे होता है हम सब लोगों के लिए, हम एक हफ्ता पहले अपने ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट में लीव रखते हैं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स भी अगर होंगे वो भी लीव रखते हैं अपनी, वो लीव अपनी सेंक्शन करवाते हैं अपनी शादी के लिए, इस स्पेशल डे के लिए, वो अपनी वाइफ को स्पेशल फील करवाने के लिए जो है वो घर पर रहते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, घर का काम काज देखते हैं। शादी का दिन, शादी के दिन बारात का वक्त 7 बजे का मुकर्रर किया हुआ है, दूल्हे साहब की एंट्री 8:30-9 बजे घर हो रही है। मतलब आपको लगता है कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए कि शादी के दिन अनंतनाग चला गया है, बहन कह रही है यूनिवर्सिटी, माँ कह रही है काम से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये 400 BC की जा रही है हमारी गरीब सी बहन के साथ। लेकिन पुलिस ने बड़ा अच्छा किया है ना, 400 BC का FIR रजिस्टर्ड किया इन लोगों पे और बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार किया। देखिए सवाल ये है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि जो एक बेटी का बाप होता है ना वो इस दिन बड़ा कमज़ोर होता है दो चीज़ों से, एक तो कमज़ोर इसलिए होता है कि वो अपने लखते जिगर को किसी के हवाले कर रहा होता है, अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को और जिस पे उसने अपनी बरसों की इन्वेस्टमेंट की होती है उसे वो किसी के हवाले कर रहा होता है, एक तो दिल उसका इसलिए भी दुखी होता है, और दूसरा उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके पड़ोसी होते हैं, उसके दुश्मन उसके सज्जन सब इस शादी में होते हैं, और ऐसा अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सही हुआ है जो उनकी फैमिली स्टेटमेंट दे रही है कि हमारा बेटा यूनिवर्सिटी अनंतनाग गया है। मुझे लगता है इस मामले में कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए, पुलिस को बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं सर, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं सर, मुझे लगता है एमपीज का एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है सर, लेकिन शादी के दिन वो भी स्पेशल अपने लिए ये दिन निकाल के रखते हैं। जिंदगी में एक बार ही शादी होती है, बार बार तो होती नहीं है, और 4 साल पहले आपने निकाह किया हुआ है और आपकी अटैचमेंट आपकी अहलिया के साथ आपके शरीक हयात के साथ होनी चाहिए है ना। अगर आपके अटैचमेंट आपके शरीक हयात के साथ नहीं है तो फिर आप ये समझ लेना कि ये आप अगर शादी कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर रिश्ते को निभाने के लिए एक भरोसा, एक यकीन, एक मोहब्बत। जिस रिश्ते में मोहब्बत, यकीन और भरोसा नहीं है ना वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है, वो सिर्फ एक कंप्रोमाइज़ करने वाली बात होती है। अब ये फैमिली बड़े सदमे में है, हालांकि कुछ वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपना सपोर्ट भी एक्सटेंड किया इस फैमिली को। 7 बेटियों का एक बाप था, गरीब सा मजलूम सा इंसान था जो मछलियां बेचकर अपना गुजारा करता था, जिसने मछलियां बेच बेच कर ना अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत सा अपने गरीब खाने के अंदर वाजवान अलग अलग वैरायटी के डिशेस के साथ एक शादी तैयार की, लेकिन बदनसीबी ये कि वो दूल्हा नहीं आ पाया। अब यहाँ पे आपकी क्या राय है कि क्या दूल्हा सही है या गलत है, ये कमेंट आपने करना है। क्या यूनिवर्सिटी में जाना ज़रूरी था शादी के दिन? बोले मुझे हंसी आ रही है लिटरली,
कि कौन इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ शादी के दिन, ऐसा कैसे हो सकता है। और शाम के वक्त मतलब 5 से लेकर 7 बजे यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं, ये तो नहीं मान सकते हम। मतलब सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट हो ठीक है, लेट शिफ्ट में आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप किसी ऐसे इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, ये मतलब समझ में नहीं आ रही है। दो बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। और तीसरी बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ये भी देख लें कि इस पूरे मामले में जो वो बहन है जिसका ये फोटोग्राफ मीडिया ने शो किया, क्या आपको लगता है ये सही किया? नहीं किया, बिल्कुल गलत किया। और अगर इस तरीके का हिसाब किताब रहेगा तो शायद उसमें भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस दूल्हे के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हुई है वो अभी कम है, इससे ज़्यादा भी होनी चाहिए। मतलब दुनिया का पहला दूल्हा है ये जो कहता है कि मैं शादी के दिन में यूनिवर्सिटी गया। मतलब स्पेशल डे होता है सबके लिए और ये शादी के दिन भी यूनिवर्सिटी जा रहा है लिखने पढ़ने के लिए, अपने ऑफिशियल काम के लिए। ये झूठ साबित हो सकता है। फिलहाल आप सब लोगों ने कमेंट करके अपनी राय देनी चाहिए कि इस बहन को अपनी शुरुआत कैसे करनी है, इस बहन को किस तरीके से फाइट करनी है जस्टिस के लिए, और इस दुल्हे राजा को कैसे जो है वो सलाखों के पीछे धकेलना है कानूनी तौर के ऊपर।